अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। भाई लोग कैसे, आज आप लोग को दिखाएगा ये हमारा एक बेयरिंग टेम्परेचर डिटेक्टर है, एक पंप है। ये पंप का जो बेयरिंग में जो टेम्परेचर डिटेक्टर आता है वो कैसे लूप टेस्ट करता है वो हम लोग दिखाएगा आपको, आज आप लोग को आज दिखाएगा। ये इसके अंदर का जो अपना टर्मिनेशन है, इसमें कोई ट्रांसमीटर नहीं रहता है, डायरेक्टली बैरिंग में गया। ठीक, ओके। अभी आप लोग को दिखाएगा ये जो टेम्परेचर डिटेक्टर है ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है पंप में। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा पंप है, बहुत बड़ा पंप है। ये पंप में कहाँ लगता है आप लोग को दिखाएगा। ये पंप का बैरिंग है, ये जगह पे इंस्टॉल होता है बैरिंग पे। ये देखिए, ये इंस्टॉल होता है, ये इसके टैग नंबर इधर ही है TE9193। अभी हम लोग को दिखाएगा कैसे इसको लूप टेस्ट करता है। ठीक है, इसमें कोई ट्रांसमीटर नहीं है, जैसे हम लोग दूसरा ट्रांसमीटर में लगा के हार्ट कम्युनिकेटर लगा के ट्रांसमीटर को सिमुलेशन करता हूँ, ये ऐसा वाला नहीं है। ये हम का एक डिवाइस है, ये अपना फ्लोक का एक डिवाइस है। ये डिवाइस से हम लोग, ये मल्टीफंक्शन कैलिब्रेटर है, इससे हम लोग लूप चेक करेगा, वो कैसे लूप टेस्ट करते हैं आप लोग को देखेगा। ओके, अभी देखिए, अभी हम लोग को इसको, ये इसका टैग नंबर होगा TE। अभी हम जो अपना सेंसर से इसको सिमुलेट नहीं कर सकते, क्यों, सेंसर इसका बैरिंग के अंदर लगा हुआ है, इसलिए हमको जेबी से अभी हम लोग सिमुलेशन करेगा कि केवल हमारा DCS जो पैनल है वो पैनल से आया हुआ है। यह हम सिमुलेट करेगा तो अपना DCS जो सिस्टम है उसमें इसका डायरेक्टली वैल्यू शो होगा वहाँ पर। तो अभी हम इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, रेड केबल में लगेगा, और जो ब्लैक है वो हमारा एक वो कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा प्रूफ कनेक्ट हो गया। अभी ऐसे प्रूफ हमारा, यह पे भी देखिए, ये अपना मल्टीफंक्शन कैलिब्रेटर है, इसमें हम लोग कहाँ कनेक्ट किया है। ये देखिए, यहाँ पे RTD है, ये हमारा RTD है, PT100 है, इसलिए हम यहाँ पे अपना रेड केबल लगाया। नीचे जो दो कॉमन अभी हमारा इधर पे देखिए सोर्स में एंड RTD में हम लोग कनेक्ट किया है। ठीक है, ओके। अभी देखिए, अभी हम लोग सेलेक्ट करेगा, हम फिर से अभी इसको सोर्स करेगा, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा मेजर सोर्स। अभी हम इसमें सोर्स किया, बाद में अभी हमारे ये RTD है, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने का RTD सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर देने का, ये हमारा PT100 है, अलग अलग है। PT100 है, A9326 है, सेकेंड PT100 385 है, ऐसे है। ये हमारा PT100 है, हम इसको 9326 को हम सेलेक्ट करने का, एंटर देने का। देने के बाद अभी हमारा डिस्प्ले में आ गया, अभी हम इसको सिमुलेट कर सकते हैं। ये हमारा जो रेंज है, रेंज हमारा 0 to 100 है, इसका रेंज है। तो आप 0 to 200, 500 मुश्किल नहीं है, डाटा सेट के हिसाब से जो रेंज है वो आप अप्लाई करना है। अभी अब हम लोग यहाँ पे अभी बराबर कनेक्ट हो गया, ये 2 वायर RTD है हमारा, यहाँ पे 2 वायर कनेक्टेड है, ये 2 वायर RTD है। ठीक है, अभी हम यहाँ से अप्लाई करेगा, अगर अभी DCS का आपका जो DCS ऑपरेटर आपको बोलेगा कितने अप्लाई करने का, तो आप यहाँ से अगर आपको 25% चाहिए तो आप 25 डिग्री अप्लाई करके इसको एंटर करना है। एंटर करेगा, हम लोग इधर से क्या अप्लाई करेगा नहीं? हम यहाँ से डिग्री अप्लाई करेगा, डिग्री अप्लाई करेगा यहाँ से। हम हमारा ये रेंज है 0 to 100 degree है, तो फिर हम यहाँ से डिग्री डायरेक्टली हम डिग्री अप्लाई करेगा। अभी यहाँ पे हम 25 डिग्री अप्लाई किया, हमारा DCS में वो भी हमारे सिस्टम में 25 डिग्री शो हो जाएगा। तो अभी हम वो ऑपरेटर बोलेगा 50 डिग्री दो, 50%
तो हम अभी 50 डिग्री देगा तो फिर हमारा वहाँ पे 50 डिग्री शो हो जाएगा। बाद में बोलेगा ओके 75 दो, 75% 75 डिग्री दिया जाएगा तो वहाँ पे हमारा 75 डिग्री शो होगा। उसके बाद 100 बोलेगा तो अभी 100 जाएगा, हम लोग 100 जाएगा तो भी हमारा 100 डिग्री एंटर करेगा, 100 डिग्री शो हो जाएगा। ओके अभी 100 डिग्री हम लोग दे दिया तो बोलेगा ठीक है तो हम प्लस आई पी दे दो, तो 100 डिग्री का प्लस आई पी 7% है, कन्वर्ट होगा तो हम 107 अप्लाई करेगा तो फिर वहाँ पे हमारा प्लस आई पी शो हो जाएगा, प्लस आई पी मिल जाएगा। ठीक है बाद में बोलेगा ठीक है ओके ओके फिनिश दिस टेक फिनिश, तो हम 0 अप्लाई करूँ, 0 अप्लाई करके ओके भी हमारा ये टैग हो गया है, ऐसे लूप टेस्ट करना है। बाद में बोलेगा ठीक है पावर फिल करो, पावर फिल करेगा तो आप लोग को सेफ इस यहाँ से जो अपना जो रेड 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 है क्या निकल दीजिए, वहाँ पे आयोबर्ड आ जाएगा, इनपुट आउटपुट आयोबर्ड आ जाएगा। बाद में बोलेगा ठीक है इसको नॉर्मल कर दीजिए, फिर आप केवल टर्मिनेशन कर देगा, केवल टर्मिनेशन कर देगा तो वो अपना जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर अभी शायद 22 डिग्री, अभी दूसरा ट्रांसमीटर है उसमें देखा रहा अभी नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 22.7 डिग्री, अभी ये कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे 22.7 डिग्री शो हो जाएगा, अटैक नॉर्मल हो जाएगा। ये मल्टीफंक्शन कैलिब्रेटर से ऐसे आप कोई भी ट्रांसमीटर को कोई भी टेम्परेचर ट्रांसमीटर को आप RTD का ऐसे लूप टेस्ट करना है। ठीक है अभी हमारा जो वीडियो किया है ये आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए, नया नया वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करेगा तो सब्सक्राइब करने का तो फिर सबसे पहला आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम लोग को आप लोग को पास देखाएगा दूसरा कुछ के लिए, क्योंकि ये मल्टीफंक्शन कैलिब्रेटर इसमें बहुत कुछ फंक्शन है, हम 1 बाय 1 करके आप लोग को सब कुछ बताएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।